बैठ हैं वो उनके लिए बेड की व्यवस्था कर रहे हैं और जो आवश्यक सावधानियां बरतना है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी अभी अपील आपके माध्यम से हुआ है और जो भी बेहतर प्रयास होंगे किया जाएगा। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उसमें जो सुझाव आएंगे उस सारे सुझावों को अमल किया जाए। सर एक सवाल ये है कि लगातार जो है तमाम सरकारें एक्शन ले रही हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, बिहार में क्या ऐसे विचार हैं? देखिए सत्र की बैठक को होने दीजिए, उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन सभी सुझावों पर हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, सारे बेड फुल हो चुके हैं, सरकार के पास कोई अलग से एक्शन प्लान है? नहीं, निश्चित रूप से ये एक्शन प्लान के तहत ही अभी डेडिकेटेड सारे जो अस्पताल हैं उसमें डेडिकेटेड अलग से वो बिल्डिंग को ये किया जा रहा है और जितनी भी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही है हम सब चुके नहीं है क्योंकि ये बिहार आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान में रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही आप सबों को बताया कि संबंध में जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे, सत्र की बैठक में जो सुझाव आएंगे सभी सुझावों पर हम सब अमल करेंगे। आपकी सरकार की तरफ से कई तरह के नियम बनाए गए, कानून बनाए गए हैं, कहा जा रहा है कि 35% से ज्यादा लोगों को एक जगह काम नहीं करना है, सरकारी संस्थानों से लेकर सड़कों तक तमाम तरीके के नियम बनाए गए लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, सर क्यों इसके लिए? और देखिए धीरे धीरे ये सारे एक बार जो प्रथम चरण का कोविड और कोरोना का जो प्रभाव था वो खत्म होने के बाद ये जो दूसरे चरण में यह जो संक्रमण प्रारंभ हुआ है उसके लिए लोग बहुत चेतनशील नहीं थे लेकिन सरकार के द्वारा लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है और सख्ती भी धीरे धीरे हम बरत रहे हैं और आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो और सारी सख्तियां बरती जाएगी। लेकिन बसों में ऑटो में लगातार लोग जो है वो काफी भीड़ लगा के जा रहे हैं।